ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार, एक और रिव्यू वीडियो होने वाली है ये, और आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ विंड ब्रेकर के बारे में। तो यार देखो, विंड ब्रेकर एक काफी कमाल की डिलिंक्वेंट एनिमे है, और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में दे दिया था, लेकिन यार उसको हम साइड में रख देते हैं अभी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सारी की सारी बातें करने वाला हूँ विंड ब्रेकर को लेके। और यहाँ पे हमारे मन में इस एनिमे को देखने के बाद जो सबसे पहला थॉट आता है वो आता है टोक्यो रेवेंजर्स का, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल एनिमे है। भले एनिमे इंडस्ट्री के अंदर उस एनिमे को ज्यादा खासियत नहीं दी जाती, लेकिन जिन लोगों के लिए टोक्यो रेवेंजर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनकी फेवरेट एनिमे है टोक्यो रेवेंजर्स, तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें विंड ब्रेकर देखनी चाहिए या नहीं। तो यार चलो फिर इस वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आपको अपने सारे के सारे थॉट्स बताने वाला हूँ विंड ब्रेकर से जुड़े हुए। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड के आदत पड़ चुकी है यार वो एक्सप्लेनेशन करने की। एनीवे देखो यार, अभी इस एनिमे के 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, और वैसे मैं लेट हूँ थोड़ा इस रिव्यू वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन हाँ 2 एपिसोड्स में अब मेरे को अच्छा खासा आइडिया लग चुका है कि ये एनिमे कैसी होने वाली है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो यार देखो टोक्यो रेवेंजर्स एक काफी अलग टाइप के एनिमे थी, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट था वो काफी ज्यादा वीक दिखाया गया था हमको, जो कि एक जर्नी के साथ साथ आगे चलते चलते थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू कर देता है मेंटली। वो भले ताकतवर नहीं है, उसके पास बॉडी नहीं है, और वो लड़ाई में इतना ज्यादा कमाल का नहीं है, लेकिन उसकी एक आदत है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता। एनीवे तो विंड ब्रेकर में जो हमारे पास वाइब्स आती है वो बिल्कुल टोक्यो रेवेंजर्स जैसी आती है, क्योंकि दोनों ही डिलिंक्वेंट एनिमेज हैं और इनके अंदर गैंग वॉर्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। अब विंड ब्रेकर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यार देखो इसके जो फर्स्ट एपिसोड को जब मैंने देखा था ना, तो यार जो हमारा करेक्टर है वो पहली बात तो दिखने में काफी ज्यादा कूल है। भले यहाँ पे एनीवे के अंदर हमें दिखाया गया कि यार उसको काफी बुली किया गया था, उस वजह से उसके आईज का रंग अलग है, उसके बालों का रंग अलग है, इवन उसके एक कमेंट आया था मेरे को, उसने पूछा था मेरे से बंदे ने कि यार क्या उसके नीचे का कलर भी अलग होगा। तो यार मेरे को कैसे पता होगा यार, मुझे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग। और देखो यार, जिस हिसाब से एनिमे चल रही है तो हाँ हो सकता है कि कलर अलग हो। और छोड़ो यार, इस टॉपिक को क्यों पकड़ के बैठे हो तुम, बहुत सारे कमेंट आ चुके इसको लेके। एनीवे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो बंदा दिखने में काफी कूल है, और वो टोक्यो रेवेंजर्स के जो प्रोटैगनिस्ट है उससे काफी ज्यादा अलग है, उसका तुम ऑपोजिट मान सकते हो उसको पूरी तरह से, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है हारुका साकुरा, वो लड़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है, वो पीछे नहीं हटता, वो बस घुस जाता है, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमेशा से उसको हेट मिली है, बचपन से उसको बुली किया गया है, जिसके बाद उसने अपना स्टैंड लिया है हर जगह, और वो लड़ने में काफी अच्छा है, ठीक है। तो हमारा जो इस एनिमे का मेन मोटिव होने वाला होगा वो ये है कि हमारा मेन करेक्टर साकुरा फ्योरेन हाई स्कूल में जाता है, और वहां पे जाके उसको सबसे टॉप पे आना है, यानी कि सबसे टॉप का डिलिंक्वेंट बनना है। वहां पे ऑलरेडी कोई डिलिंक्वेंट है जो कि टॉप का है, और उसकी लोग इज्जत भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें इस एनिमे में उसी का प्रोग्रेस दिखाया जाएगा कि कैसे साकुरा अपनी इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ता है, और कैसे वो सक्सेसफुल होगा इस एनिमे के अंदर। साथ ही साथ हमें इस एनिमे में एक अलग सा प्लॉट दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई वाली एनिमे नहीं है कि इसमें बस गैंग वॉर होती रहेगी एंड ऑल, इसके अंदर एक अलग सा ट्विस्ट है जो कि है फ्रेंडशिप का। यहाँ पे हमें फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड में थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया गया था, जहाँ पे कोटोहा ने ये बताया था कि साकुरा के लिए बाकी लोग भी मैटर करते हैं, और लोगों के लिए साकुरा काफी ज्यादा मैटर करता है, ये टाउन बाकियों की तरह नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें हेट मिलेगी, ये लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि कैसे साकुरा चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, और ये रियल लाइफ के काफी सारे एग्जांपल्स हमें देता है कि यार ठीक है, हर इंसान सेम नहीं होता, हमें अगर कोई किसी तरीके से ट्रीट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सब हमें ऐसे ही ट्रीट करे, हमारी अलग एक जगह हो सकती है, तो हमें कचरे से निकल के अच्छी जगह पे जाना चाहिए। काफी अच्छा खासा लाइफ लेसन है, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। तो यार उसके लिए लाइक तो कर देना। एनीवे मैं इस रिव्यू वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, मैंने सोचा था कि यार थोड़ा ओवरव्यू देंगे, ओपिनियन देंगे। अब एंड में अगर मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की, यार मेरे को ये एनीमे कैसी लग रही है, तो देखो यार मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत होगा किसी एनीमे के साथ। पहली बात, इस मेन करेक्टर का नाम यहाँ पे साकुरा है, हारुका साकुरा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नारुतो में जो साकुरा करेक्टर था उसने बिल्कुल बैंड बजाई थी। इवन कुछ कुछ करेक्टर्स है ऐसे साकुरा के जो कि यू नो अच्छा करते हैं एनिमे इंडस्ट्री में, लेकिन यार ऐसी बात नहीं है। जापान में साकुरा
ब्लॉसम का सीजन होता है ना, चेरी ब्लॉसम का मेरे ख्याल से, मैं गलत होगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। एनीवे काफी अच्छा माना जाता है उसको, तो इस वजह से हम ऐसा हेट नहीं कर सकते इस मेन कैरेक्टर को। और अभी तक जो दो एपिसोड मैंने देखे हैं उनको देख के मेरे को ऐसा लगा है कि हाँ आई वॉन्ट मोर, मेरे को और देखना है कि आगे क्या होगा, एक्साइटमेंट है थोड़ी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारा मेन कैरेक्टर ओवर पावर है और वो एक ही मुक्के में, वन पंच मैन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम से सब कुछ खत्म कर दे, उसके पास भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं अपनी, ठीक है ना। एनीवे ये मेरा ओपिनियन था कि यार अच्छी है एनीमे, मेरे को ठीक लगी वो, और मैं उसको आगे भी देखना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं उसको ड्रॉप कर दूं निंजा कामुई की तरह। उसमें तो जब आर्मर सूट आया था उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया कि कामुई सूट जब से आया है, ठीक है, तो वो एनीमे में कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। एनीवे उसकी बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, आप मेरे को बताना आपको ये रिव्यू वीडियो कैसे लगी है। एनीवे और इस वीडियो को एंड करने से पहले, अब आपके मन में जो सवाल था कि आप ये पूछ रहे हैं कि हमें ये एनीमे देखनी चाहिए या नहीं, देखो यार टोक्यो रेवेंजर्स एक काफी अलग टाइप के एनिमे थे, उसके 3 सीजन आ चुके हैं, उसमें कुछ मेन करेक्टर्स हैं, साइड करेक्टर्स भी काफी अच्छे खासे हैं, जैसे कि माइकी हो गया, ड्राकन हो गया और मित्सुया वगैरह, ये सारे काफी अच्छे खासे करेक्टर्स हैं टोक्यो रेवेंजर्स में, जो कि टाकेमिची से ज्यादा फेमस है। टाकेमिची शायद किसी का फेवरेट करेक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे विंड ब्रेकर की हम बात अगर करें तो यार देखो विंड ब्रेकर बिल्कुल डिलिंक्वेंट वाले एनिमे है, और मैं तो यार बोलूंगा मेरे को जब मैं वो एनिमे देख रहा था ना तब मेरे को टोक्यो रेवेंजर्स की वाइब आई। इवन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कॉपी हो टोक्यो रेवेंजर्स की, वो एक अलग ट्विस्ट के साथ पे आई है और एक डिलिंक्विड वाली एनिमे है जिसमें थोड़े मजाक मस्ती है, अच्छे खासे डायलॉग्स यूज किए गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक लाइट एनिमे देखना चाहते हो जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, जिसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने आप को, तो ये एनिमे आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि इसमें काफी लाइट है चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ कुछ एनिमे होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें, जैसे कि जुजुत्सु कैसे सीजन 2, भाई कितना क्या साइंस वाइंस लगा दी उन्होंने, कितना नरेशन, भाई मेरा तो दिमाग फूक गया था यार उसको करते करते। एनीवे यही मेरा ओपिनियन है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा मेरा ओपिनियन रिव्यू वीडियो यार बताना, मैंने पिछली बार से थोड़ा इंप्रूवमेंट की है रिव्यू वीडियोज़ में, पिछली बार तो एक्सप्लेनेशन मार दिया था, मुझे माफ़ कर देना। एनीवे अभी आप जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पर कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं कुछ अलग अलग चीज़ें आने की कोशिश करूंगा इस चैनल के ऊपर, और इस पर आप सपोर्ट दिखाना प्लीज। एक्सप्लेनेशन कंटेंट से मैं थोड़ा हटने की सोच रहा हूं, क्योंकि यार देखो एक्सप्लेनेशन मैं क्या बोलूं यार देखो वो देखते हैं लोग, मेरे को पता है बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन अब मैं इस चैनल को थोड़ा और ज्यादा अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अब इस ऐसी टाइप की वीडियोस बनाने का डिसीजन लिया है। तो आई होप आप मेरे को इस डिसीजन में हेल्प करोगे और सपोर्ट करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।